चलते चलते हंसते गाते यूं कटे सफर जिंदगी का, सफर जिंदगी का। नमस्कार, सफर जिंदगी का शो में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज के हमारे अतिथि हैं श्री जूनियर अन्नू कपूर साहब। ये हास्य कलाकार एवं मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो लाफ्टर थेरेपी से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गांव-गांव में जाकर संदेश देते हैं, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आइए हम आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सफर जिंदगी के शो में हम आपका स्वागत करते हैं। जी बहुत शुक्रिया इनायत। तो सर, आप हास्य कलाकार होने के साथ साथ किन किन संस्थाओं से जुड़े हैं? दरअसल वो एक शेर याद आता है कि मैंने तो ज़िंदगी में मोहब्बत का सबब पा लिया, जो भी मिला मुझे उसे अपना बना लिया। आप रोकर भी गम को हल्का न कर सके, मैंने हंसी की आड़ में गम को छुपा लिया। मैं ये समझता हूँ जहाँ तक कि सृष्टि के रचयिता खुदा ईश्वर वाहेगुरु ने पशु पक्षी से लेके हाथी घोड़े जितने भी जीव बनाए हैं सबको वही संरचना दी है, सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट इंसान को दी है। और मैं समझता हूँ वही आदमी जिंदा है जो मुस्कुरा रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और इसी को लेके अब ये मेरा पैसा बन गया है कि मैं कितनी मुसीबत या कितने स्ट्रगल में हूँ, बाकी हंसना मेरा लिबास हो गया है। और अगर मुझे देख के कुछ देर के लिए कोई हंसता है तो इससे बड़ी शायद भक्ति और इबादत नहीं हो सकती। सही बात है, किसी को हंसाना भी एक बहुत बड़ा वो है। आप किस तरह से जनित कार्य कर रहे हैं? बेसिकली बचपन से ही दादा और पिता को देख के ये आदत हो गई थी कि, और वैसे हर धर्म भी कहता है कि सबसे पहले दूसरों का ख्याल रखिए, आपको अपने आप मिलता चला जाएगा। और फिर हमारे सामने शायर बैठे हुए हैं इसलिए बार बार शायरी आ रही कि ए खुदा हम इतना गुनाह नहीं करते जितना परहेज करते हैं, और तेरी बंदगी से प्यार करें ना करें तेरे बंदों से प्यार करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में जी। फिर मेरा पैसा बन गया, मेरा व्यवसाय बन गया। तो समाज सेवा और समाज हित के कार्य आप इसमें? दोनों कार्य हो रहे हैं, क्योंकि देखिए होस्ट हर जगह चाहिए जी। एक बार फिल्म स्टार रुकेगा, कवि रुकेगा या शायर रुक सकता है, बाकी एज ए मंच संचालक होस्ट हर कार्यक्रम में जरूरी है, चाहे वो दान पुण्य का हो, वो मकर संक्रांति का हो, उर्से मुबारक का हो, या मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का हो। और इसी को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर, आप आज के माहौल एवं परिवेश को देखते हुए दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? माहौल और परिवेश ये हो गया है कि हम लोग देश की राजनीति में उलझ गए हैं। मैं तो हर इंसान से ये कहता हूँ कि किसी भी राजनीति से पहले जो ऊपर वाले का फरमान है कि सबसे पहले घर को देख, पड़ोस को देख, गली मोहल्ले और वार्ड को देख, और फिर बाद में दुनिया को देख, क्योंकि तेरी कब्र का जवाब तुझे देना है, तू जो कर्म करेगा उसे तुझे मिलना है। परिवेश तो रावण और कंस के जमाने में भी वही था, और फिल्मों में देखे तो मदनपुरी अमरीशपुरी के जमाने में भी वही था। पहले भी पत्र के जरिए बच्चे अपसेट हो जाया करते थे, आज मोबाइल के जरिए। ये देखने वाले की नज़र है, और मैं समझता हूँ कि अभी का दौर, अभी के बच्चे, अभी की बच्चियाँ जितना बेहतरीन स्ट्रगल करके अपने भविष्य को बनाने के बारे में सोचती हैं, ऐसा शायद हमारे ज़माने में नहीं था। सुविधा का एक साधन भी मिला। आज एक 22 साल का बच्चा जागरण करवा देते हैं सारे मिलके, है ना। 18 साल के बच्चे को कमाने की फिक्र होती है, जबकि हम हायर सेकेंडरी तक तो पैसे के भी बारे में नहीं समझते थे। आजकल बच्चों ने मोबाइल पे, छोटे बच्चों ने ही अपने चैनल बनाए हुए हैं, उनको भी अपने सब्सक्राइब बढ़ाना होगा। पुराने लोग ये कहते हैं कि ये अपवाद है, ये अपवाद नहीं परिवर्तन है। ट्रांजिस्टर से कंप्यूटर के जमाने के सफर में कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ नई बातें जरूर हुई है। और हम लोगों ने बहुत शुद्ध खाया होगा, हमारे पूर्वजों ने शुद्ध खाया होगा, उसके बावजूद भी इतना ज्ञान हम लोगों में नहीं आया जितना आज के बच्चों में चला आ रहा है। चाहे संगीत के क्षेत्र में देख लें, चाहे नृत्य के क्षेत्र में देख लें, चाहे टेक्निकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लें, या प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख लें, बच्चे सीखना चाह रहे हैं, तो इनको हौसला देना चाहिए
और मैं तो हर पिता को हर माँ को सास ससुर बनने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि आज के बच्चों के अंदर की भावना को समझें, उनको प्यार की ज़रूरत है और वही प्यार उनको आगे लेके जाएगा। सर आप मूलतः कहाँ से हैं, आप अपने जिंदगी के सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं बदनसीबी या बुरा वक्त नहीं कहूँगा। जब भी कोई कैशियर कोई दुकानदार अपने पास रखता है तो उसकी जांच पड़ताल करता है, उसकी हर चीज़ की एक्टिविटी को देखता है, यानी हमसे पहले भगवान को भी परीक्षाएं देनी पड़ी है। क्योंकि मुझे गीत याद आ रहा है कि क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है। विष पीना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो। बड़े बड़े वली अल्लाह, बड़े बड़े बुजुर्ग और यहाँ तक कि भगवान राम ने भी 14 साल के तप के बाद रघुपति राघव राजा राम का पद लिया था। हम लोग मूलतः अजमेर जिले केकड़ी के हैं और मेरे पिता की सर्विस थी गांधी सागर डैम डिस्ट्रिक्ट मंदसौर। मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात हुई कि 180 ब्लॉक कॉलोनी में हमारा एक मुस्लिम परिवार का घर था। उस जमाने में खैराज नहीं होता ऐसा, उस जमाने में जैन साहब नमोकार पढ़ते नजर आते थे सुबह सुबह, मुस्लिम कुरान पढ़ते नजर आ रहा था, रामायण पढ़ते हुए ब्राह्मण नजर आ रहे थे। मेरे अंदर एक चंचलता थी, मुझे जिज्ञासा थी कि किताबें वही हैं, ग्रंथ वही हैं, आवाज़ अलग अलग है, पढ़ने का तरीका अलग अलग है। तो हमारे एक पंडित जी रहा करते थे, मैंने रामायण के बारे में पूछा और जब मुझे लगा कि इनके साथ में बैठने से प्रसाद मिलती है, और उस ज़माने में केले के सिक्के जो होते थे, एक केले के 10-20 सिक्के होते थे, और मेरी आदत थी MLM कॉन्सेप्ट का माइंड मेरे दिमाग में था कि 10 केले के ये 10 पीस जो हैं अगर 10 अम्मा भाभी को दे दिए जाए तो ये प्रसाद ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो मैं सबको बांट दिया करता था, मोहल्ले में स्टार बन गया। मैंने कहा ये सुंदरकांड में जाने से एक फ़ायदा तो मिल रहा है, क्योंकि उस जमाने में एप्पल खाने के लिए बीमार होना पड़ता था, बहाना करना पड़ता था, मिठाई खाने के लिए बीमार पड़ना पड़ता था। अब मुझे बांटने में मज़ा आने लगा और सामने से कभी हलवा, कभी सब्जी, कभी नेकर, कभी शर्ट। मैंने कहा अपन तो राजकुमार हो गए। 11 साल की उम्र में एक दिन पंडित जी के साथ सुंदरकांड करते करते, सुंदरकांड रामायण में सुंदरकांड खुला हुआ था, जातु राम धान से सकल सुमंगल रायक तक, न जाने अली और बजरंग बली की कौन सी लीला हुई कि मोहम्मद इकबाल मंसूरी रामायण पढ़ने लगा। और अभी 58 साल 2 महीने के अंदर लगभग 10,000 से ज़्यादा सुंदरकांड पाठ मैं देश में कर चुका हूँ, और उससे जो अर्निंग हुई है उसमें कई मुफलिस और गरीबों का भला हुआ है। इससे मुझे एक पावर मिला, न पक्ष बचा न विपक्ष बचा, मैं सबका हो गया। शने शने खाटू श्याम, जागरण, चौकी, नमोकार, मंगलाचरण, फिर बाजी बांसुरी, गोरक्षमा रामायण और भरत मिलाप का मैं 75 से 85 का टॉप रामलीला का आर्टिस्ट रहा। आज तो फिर भी मनोज जी गौतम और आप लोग बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं संगीत की। हमारे ज़माने में तो हारमोनियम भी नज़र नहीं आता था, एक मंदिर में टूटा फूटा हारमोनियम होता था, नहीं आज मुझे संगीत के बारे में कोई जानकारी है। रफ्ता रफ्ता चलने लगा और अभी लगभग लगभग 3 स्टेट के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हंसो हंसाओ, तनाव भगाओ, बेड टच, स्वस्थ भारत, सास बहु तनाव, पति पत्नी मन मुटाओ, माता पिता गुरु शिक्षा प्यार मोहब्बत के कॉन्सेप्ट पे मैं लाफ्टर थेरेपिस्ट का वर्ल्ड एक्सलेंस पुरस्कार ले चुका हूँ। क्योंकि हमारे लिए शायर बड़े इंपॉर्टेंट थे, उनके शेर हम चुराया करते थे, कवि सम्मेलन में पेन लेके बैठ जाया करते थे और लिखा करते थे, तब मोबाइल भी नहीं थे। रेडियो पे अमीन सयानी बोलते तो उनकी कॉपी किया करते थे। चांद शेरी शहर साहब ने एक बहुत अच्छा शेर हमें दिया था, कोटा के हैं हमारे, तो एक बहुत अच्छा शेर दिया था कि अब मेरा दिल वो बन गया है कि मैं अपने दिल में गीता बाइबल कुरान रखता हूँ, मैं सभी धर्मों का दिल से सम्मान करता हूँ और ये मेरे पुरखों की जागीर है लोगों, मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। कौमी एकता का आपने जो बहुत अच्छा संदेश दिया है, लोग अभी कह रहे हैं, मैं तो संदेश देना चाहूँगा चाहे राजनीति वाले हों या समाज के लोग हों। आपके सामने एक मिसाल बैठी हुई है कि सलीम साहब और सक्सेना जी, इनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता।
फिर आखिर वो कौन लोग हैं जो समाज में जहर फैला रहे हैं? हमारे घर में जब भी कोई चूहा निकलता है, कोई जहरीला कीड़ा निकलता है, तो हम उसे हटाने की कोशिश करते हैं। हमने अपने ही पड़ोस से, अपने ही घरों से, अपने ही परिवारों से उन जहरीले लोगों को साथ में नहीं रखना है, उनको निकालना है, तभी जाके भारत माँ फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगी, भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, वरना एक दिन ऐसा होगा कि हम तबके में बढ़ जाएंगे। और खैर, ये एक राजनीति का मुद्दा हो सकता है, बाकी कौमी एकता आज भी बनी हुई है और बनी हुई रहेगी, क्योंकि नवरात्र की माता की मूर्त बनाने वाले कलकत्ता के मुसलमान आर्टिस्ट होते हैं और ईद पे बेहतरीन मिठाइयां बनाने वाले हमारे हिंदू परिवार के भाई होते हैं। और अगर बिरादरी देखनी है तो मैं पूरे भारत को एक संदेश देना चाहता हूं कि उस दिन बिरादरी देखनी चाहिए, उस दिन गर्व से कहना चाहिए कि हम हिंदू या मुसलमान हैं। जिस दिन किसी का बेटा ऑपरेशन टेबल पे एक्सीडेंटल हो और डॉक्टर कहे कि 2 यूनिट ब्लड लाइए वरना आपका बच्चा जा सकता है, ब्लड बैंक जाके उसके पिता को कहना चाहिए ये ब्लड है किसका, पता लगे कि ये ब्लड किसी और का है, उसकी समझ का नहीं है, किसी अन्य बिरादरी का है या उसकी नजर में कोई हीन बिरादरी का है, तब उसे एक काम करना चाहिए कि डॉक्टर को कहना चाहिए कि डॉक्टर साहब मेरा बेटा है, मरता है तो मर जाए, मैं हीन ब्लड नहीं चढ़ाऊंगा। उस दिन मैं उसे सैल्यूट करूंगा कि वो गर्व वाला हिंदू है या गर्व वाला मुसलमान है। सर, कलाकार का सफर बड़ा कठिन है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर बिना कठिनाई के कुछ मिला ना, तो आदमी बहुत जल्दी पागल भी हो जाता है और खत्म भी हो जाता है। अभी इंदौर के पास मैंने सुना कि 8 लाइन या 6 लाइन रोड निकल रहा है, वहां पे एक सब्जी बेचने वाले मांगीलाल जी को पूछते नहीं जायदाद में अच्छी भली सब्जी बेच के जिंदगी गुजार रहे थे, उनको पता लगा कि मुआवजा 18 करोड़ मिलने वाला है। वो सारे घर के पागल हो गए और शायद वो खुद स्वयं तो एक्सपायरी हो गए। अच्छा। और उनके दोनों बच्चे और मिसेज पागल हो गई कि 18 करोड़ कैसे होंगे, मैं फ्रिज लूंगा, मैं कार लूंगा। इसलिए आराम, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था आराम है तो राम कहां, जब आपको आराम होगा तो आप खुदा को याद नहीं करेंगे, इसलिए तकलीफ होनी चाहिए जीवन में। और वो लिखा है ना कि सुर्खरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। जो भी आज कलाकार है, मैं तो अभी अपने आप को कलाकार नहीं मानता, बाकी जो कलाकार बने हैं उनकी बीती कहानी अगर कोई देख ले, मकान को बनते नींव खुदने के टाइम से देख ले, और जिनकी नींव मजबूत नहीं होती वो कभी भी सफल नहीं होते। मेरी सफलता के पीछे मेरा ध्येय, मेरा विश्वास, मेरा सामंजस्य, मेरी भक्ति, मेरी इबादत रही है। और मैं बता देना चाहता हूं कि आज के अनु कपूर को तो सब जानते हैं, बाकी इसके पीछे की वो काली रातें, मैं हायर सेकेंडरी टॉप करके इंजीनियर बनना चाहता था, बाकी स्थितियां नहीं थी, 5000 पॉलिटेक्निकल के घर में नहीं थे, तो मैंने अपने आप को बदल दिया, मैंने कहा इंजीनियर नहीं, अब इंजन बनेंगे। उसके लिए कोटा शहर गवाह है इस चीज के लिए। 1981 से और 1993 तक 13-14 साल का जो सफर है वो दुश्मन के लिए भी दुआ नहीं करूंगा। बच्चों को और देखने वालों को बता देना चाहता हूं कि इस नूर, इस तरक्की के पीछे मैंने अखबार बेचे हैं, मैंने गाड़ियों की वॉशिंग की है, मैंने सब्जी बेची है, मैंने टेम्पो चलाया है, बाकी मुझे मालूम था कि तू नवाजने पे आ रहा है तभी तो तकलीफ दे रहा है। और एक दिन ऐसी नवाजिश हुई, मेरा कलाकार तो बिल्कुल अंदर से मर चुका था स्ट्रगल में। बाकी एक मेरे दोस्त हैं, ईश्वर उनको अच्छा रखे, सुरेश दीक्षित, वो ऑर्केस्ट्रा चलाते थे। 92-93 में अंताक्षरी का दौर बड़ा मजबूत था अनु कपूर साहब का, मेरी आवाज सुनो। हाँ, मेरे पास कलर टीवी भी नहीं था, तो उन्होंने बोला कि आप दिखने में अनु कपूर जैसे लगते हो, जूनियर अनु कपूर आ रहे। मैंने कहा बेकार बात है, मेरा कलाकार तो स्ट्रगल में मर चुका है, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता। मैं डिप्रेशन में आ गया था, जिसको शाम के खाने की फिक्र हो वो क्या कलाकारी करेगा। बाकी ईश्वर भला करे, उन्होंने मुझे राष्ट्रीय रंगमंच दशहरे में एंकरिंग के लिए वो मुझे लेके गए। उस वक्त बहुत बड़ी रेट थी, 251 रुपये। वो 251 ने और हमारे सुरेश दीक्षित जी ने मेरी जिंदगी बदल दी। जो आदमी निकल रहा था बोले आप तो अंताक्षरी वाले जैसे लगते हैं, अंताक्षरी वाले जैसे लगते हैं।
मेरे अंदर एक नया जज्बा पैदा हुआ, मैंने अंताक्षरी देखी, मैंने कहा यार काफ़ी मिलते जुलते हैं। धीरे धीरे लोग प्यार से कहने लगे, जूनियर अन्नू कपूर, अन्नू कपूर का सफ़र होते होते ऊपर वाले का बड़ा करम है कि आज 93 से लेके, अच्छा उस वक्त मेरा इंटरव्यू हुआ था दैनिक भास्कर में, तो पत्रकार ने पूछा था कि आप अन्नू कपूर साहब से मिलना चाहेंगे या मिले हैं। मैंने कहा नहीं, मैं अपने अंदर वो कुव्वत पैदा कर लूँ कि एक दिन वो खुद मुझे याद करेंगे। हुआ यूँ कि अभी 24 जनवरी को वो किसी शूटिंग के सिलसिले में झालावाड़ आए थे, सीमा कपूर जी और अन्नू कपूर जी, तो झालावाड़ के लोग कहने लगे कि अन्नू कपूर आपके नाम से ज़्यादा तो जूनियर अन्नू कपूर वाले इकबाल भाई फेमस हो रहे हैं। बोले बंदा कौन है यार, मुझे 10-15 साल हो गए सुनते हुए। उन्होंने मुझे बुलाया, पूरे दिन अपने साथ रखा और बहुत दुआएं दी, और इन्हीं चीज़ों का नतीजा है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप अपने जीवन में लक्ष्य बना के रखें और कभी डिप्रेशन में ना आए। और वैसे भी मैं पूछता हूँ कि ऊपर वाले के निजाम में ऐसी कोई कमी नहीं है जिससे आदमी डिप्रेशन में आए। आप कहते हैं होइए वही जो राम रची रखा, हम कहते हैं अल्लाह चाहेगा जो होगा। आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, और उसी विश्वास के साथ में मुझे सबसे ज़्यादा सल्यूट करूँगा करनाल हरियाणा के समाज सेवी श्री नरेंद्र अरोड़ा जी, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जहाँ बड़े बड़े रिटायर्ड IPS RS से लेकर बड़े फिल्म स्टार जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे इस कौमी एकता की वजह से वर्ल्ड एक्सेलेंस का, वर्ल्ड के 11 लोगों में इंडिया से मेरा नाम चुना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे अवार्ड दिया, और अवार्ड के बाद जब मेरी स्पीच सुनी तो उन्होंने मुझे अपने पद से बड़ा पद, यानी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुझे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। आखिर एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जरिए और मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जरिए कोटा वासियों को मैंने एक तोहफा दिया है कि आप हिंदुस्तान में कहीं भी ब्लड, अंत्येष्टि का सामान, मुसीबत, गाड़ी पंचर या कहीं भी हो, सिर्फ मुझे कॉल करिए और मैं सुबह 9 बजे से रात 3 बजे तक यही काम करता हूँ। लोगों ने मुझसे कहा कि इस सेवा के पीछे क्या राज है। मैंने देखिए, सेवा से खुदा के ईश्वर के तो प्यारे हो ही रहे, और जहाँ रिलेशन होगा तो वो भजन संध्या भी करवाएगा, जागरण भी करवाएगा, बेटी का महिला संगीत भी होगा, तो बैटरी वालों का प्रोग्राम भी होगा। यानी आप सेवा करेंगे तो मेवा निश्चित मिलेगा। और मेरे गुरु ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जिंदगी में एक बहुत बड़ी सीख दी थी, मिठाई मत बनना। हिंदुस्तान के बाहर के लोग कहा करते थे इंडियन इज वेरी डर्टी, हिंदुस्तान के लोग बहुत गंदे हैं, काऊ के टॉयलेट पे खाना बना के खाते हैं। ये अंग्रेजों की बात थी काफी साल पहले की, और आज चौकीढाणी में वही अंग्रेज अपनी दाल बाटी चूरमा खाते हैं। तो गोबर की संज्ञा से मुझे एक बात बताई थी कि बेटा जीवन में इकबाल मिठाई मत बनना, गोबर बनना। गोबर जहां गिरेगा कुछ ना कुछ अपने अंदर समेट के समायोजित करके लेके आएगा, धूप में तपके सबको जकड़ लेगा, और सूखने के बाद दाल बाटी जल के बना जाएगा, अपनी आहुति देके दाल बाटी एक पारंपरिक भोजन बना के जाएगा जो स्वादिष्ट आज भी लगता है, और बचेगा तो बर्तन मांजने के काम आएगा, और फिर बच गया तो फसल में उड़के सरसों का साग और धनिया बन के दोबारा आएगा। तो मैंने अपने आप को गोबर बना दिया, ईश्वर का बनाया हुआ गोबर। और मेरी सोच है कि 58 साल क्या, मैं 108 साल तक ऐसे ही रहूंगा, बाकी फिर उसकी मर्जी है। और दर्शकों से कहना चाह रहा हूँ, हमारे मनोज जी और सुषमा जी के जरिए आप मेरा नंबर ले सकते हैं। किसी की बेटी प्रेम प्रसंग, बच्चा नशे में, सास बहू तनाव, अलगाव, या घर में किसी तरह का ग्रह क्लेश होता है, तो वॉइस कॉलिंग के जरिए आप मुझे कॉल करके डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरी कोशिश। और आज के कलाकारों को कहना चाहूँगा कि सिर्फ ट्रैक पे गा लेना कलाकारी नहीं है, सिर्फ हारमोनियम या सिंथेसाइजर बजाना कलाकारी नहीं है, कलाकार को अधिग्रहित करना, अपने अंदर पूरी सिंसियरिटी पैदा करना और उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना, क्योंकि ये सरस्वती का जो समंदर है शायद मेरे हिसाब से आज तक इसके तल में कोई नहीं पहुंच पाया, और जो तल तक पहुंच गया है वो सीधा ऊपर बुला लिया गया है। क्योंकि कलाकारी एक ऐसा जज्बा है आदमी के सामने कि राजनीति से भी ज्यादा उसमें गुरूर आने लगता है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपको सक्सेस होना है
तो नारियल का श्रीफल का झाड़ नहीं आम का झाड़ बने, क्योंकि जो कामयाब होते हैं वो झुक जाते हैं। एक बहुत अच्छी सीख मैं बच्चों को देता हूं कि एक गांव में एक नारियल का पेड़ था, दो श्रीफल लेके अकड़ के खड़ा हुआ था, जिसकी जड़ भी मजबूत नहीं थी, और एक आम का पेड़ जिसमें हजारों केरियां थी, आम थे। बाढ़ का पानी आने लगा, आम ने पुकार के कहा, ए नारियल समझ जा बाढ़ आ रही है। बोले मैं भगवान के चरणों में रहता हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। शादी विवाह कोई भी प्रसंग होता है तो सबसे पहले श्रीफल को याद किया जाता है। इस गलतफहमी में बाढ़ आई, श्रीफल का झाड़ उखड़ के बह गया और आम की पत्तियों ने अपने आप को झुका के अपनी केरियों को बचा लिया। जो बात आप कहते हैं उसे कथनी और करनी में लेकर आए, और मैं ईश्वर का, खुदा का, वाहेगुरु का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और सबसे ज्यादा कोटा के 10 लाख लोगों को सलाम करता हूं जिन्होंने मुझे फर्श से अपनी दुआओं के जरिए अर्श तक भेजा है। हाँ, पैसे की बात करूं तो इससे तो कभी पेट नहीं भरता और ना भरेगा, बाकी संतुष्टि ऐसी मिल रही है कि जिस शहर में जाते हैं हमारा कोटा, मेरा नहीं पूरे कोटा का नाम होता है। सफर जिंदगी का मनोज जी गौतम साहब और उनके पूरा वीडियो कैमरामैन, पूरी मुंबई की टीम, और ख़ास हमारे भाभी जी सुषमा जी, इनका दिल की गहराइयों से मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इस जिंदगी के सफ़र को हम हर कोने तक लेके जाएंगे, और आप में भी अगर कलाकार है, देश का कोई भावी समाज से भी है, तो उनके सामने हमारी टीम और मैं भी इस कारवां को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।